Almond cream bread has been viral on the social media since quite some time, and so we thought of trying our hands on it. इसका ब्रियोश जैसा टेक्सचर है, बट मेन फ्लेवर जो आता है आलमंड क्रीम का है, जो हम इसकी फिलिंग में बनाते हैं। ये सिमिलर ब्रेड चाइना में बनती है, तो इसलिए इस बार चलते हैं चाइना की तरफ और देखते हैं कि आखिर ये बनती कैसे है। सबसे पहले हम लेंगे 2 कप्स फ्लावर यानी मैदा, फिर उसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1.5 टीस्पून इंस्टेंट एक्टिव ईस्ट, 3 टेबलस्पून शुगर, 1/2 कप रूम टेम्परेचर थिक बीटन योगर्ट, 1 अंडा या फिर 1 टेबलस्पून बटर और डाल दो, 2 टेबलस्पून सॉफ्ट सॉल्टेड बटर, अगर आपको अनसॉल्टेड यूज़ करना है तो आप सॉल्ट अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। अब इन सबको मिक्स कर लेना है और फिर इसे नीड कर लेंगे। बेस्ट टेक्निक है फोल्ड इन करने की, जो हमने कोरियन गार्लिक ब्रेड में किया था, लिंक ऊपर ही दिया है। अभी एक स्मूथ सा डो बन गया है, इसे हम एक ग्रीस्ड बोल में रख देंगे और कवर करके राइज होने के लिए रखेंगे 1.5 आवर के लिए। आलमंड क्रीम बना लेंगे, उसके लिए आपने लेना है 70 ग्राम सॉफ्ट सॉल्टेड बटर, उसमें डालेंगे 2/3 कप पाउडर्ड शुगर और हल्के से बीट कर लेंगे जब तक कि आपको हल्का सा लाइट और फ्लफी फील होने ना लग जाए। फिर उसमें डालेंगे 2/3 कप आलमंड फ्लावर, 1 बीट किया हुआ अंडा, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/2 टीस्पून अच्छे से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है और फिर इसे एक बोल में डाल के साइड पे रख लेंगे। अब ओवन प्रीहीट होने के लिए रख देंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे और डो निकाल लेंगे जो 1.5 आवर से फर्स्ट राइस के लिए रखा हुआ था। इस डो को आपने 3 पोर्शंस में डिवाइड कर लेना है और हर एक डो के बॉल बना के उसे रोल आउट कर लेंगे एक ओवल शेप में। अभी रोल आउट हो गए हैं, अब हर एक के बीच में हम लोग आलमंड क्रीम डाल लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर इन्हें रोल कर लेंगे।
रोल होने के बाद एज को हल्का सा स्ट्रेच करके ऊपर ला के सील कर लेंगे और हल्का सा बोर्ड के ऊपर ही रोल कर लेंगे ताकि अच्छे से सील हो जाए। तीनों रोल ऐसे ही बना लेंगे। अब एक शार्प नाइफ लेके सेंटर में स्लिट करेंगे फर्स्ट लेयर को और फिर आप देखेंगे अंदर एक और लेयर दिखेगा, उसे भी हल्का सा स्लिट कर लेंगे और हल्के हाथों से इसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे, और जब ये हो जाए इसे प्लेस कर लेंगे लाइंड मोल्ड में। बाकी रोल्स के साथ भी सेम रिपीट कर लेंगे। अब इसे हम कवर करके रखेंगे सेकेंड राइज के लिए 20-25 मिनट्स के लिए। सेकेंड राइज के बाद इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 30-35 मिनट्स के लिए, जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही ये बेक हो जाए इसे बाहर निकाल के वायर रैक पे रख देंगे 5 मिनट के लिए और फिर इसे अनमोल्ड कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप भी ट्राई कीजिए, टेस्ट काफ़ी अच्छा है इसमें आलमंड क्रीम का स्पेशल। टी टाइम ब्रेड के लिए काफ़ी अच्छा है ये। हमारे साथ हमारा वर्ल्ड क्विजीन एक्सपीरियंस करने के सफ़र में साथ देने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।